one is to my best friend. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और ट्रेंडिंग रील एडिटिंग, जिसको आपने इंस्टाग्राम और वीडियो को स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो इस तरह की रील को बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऑडियो का पेज दिखाता हूँ। इस ऑडियो के पेज में 4911 रील्स बने हैं। तो आप इस तरह की रील बना के ना अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पर मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लाखों में लाइक्स हैं। तो आप इस तरह की वीडियो को बनाओ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस तरह की वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है नीचे, इसमें क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक क्लिप को सेलेक्ट करना है, ये वाला क्लिप है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे एरो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें क्लिक करना है। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर गाइज आपको लास्ट में चल जाना है, वीडियो को स्क्रॉल करना गाइज। तो राइट साइड में आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा, सिंपली इसमें क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो ये हमारा क्लिप है, ये बचेगा गाइज। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो पिक रहेगा उसको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के जो 3 पिक हैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो ज़्यादा फोटोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर 3 फोटोज़ को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है ये 11.63 सेकंड्स है। तो इसको ड्यूरेशन को बढ़ा करना आपको थोड़ा सा ना 13 सेकंड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 12 सेकंड हुआ है, मैं इसको 13 सेकंड कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये 13.25 है, यहाँ पर देख सकते हो, आपको भी इसी तरीके से कर लेना। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पर हम म्यूज़िक ऐड करेंगे। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए ना यहाँ पर टैब टू ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करना है और यहाँ पर म्यूज़िक पे चले जाना है और ये वाला म्यूज़िक है इसको चूज़ करके ना यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइज हमें यहाँ पर ना एनिमेशन लगाना है और एफेक्ट्स लगाना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहो गाइज, मैं आपको पूरा बताऊँगा। अगर अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना, प्रकाश एडिट्स 22 मेरा यूज़र नेम है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है बीच में, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पर इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाकर यहाँ पर हम इतना कर लेंगे, तो 1.89 रख लेना। उसके बाद सिंपली गाइज राइट पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से गाइज हमें अगले वाले जो फोटो है इसके बीच में चले जाना है, यहाँ पर भी प्लस पे क्लिक करके वाइट रख लेना है। वाइट रखने के बाद इसका ड्यूरेशन को आपको यहाँ से 1.89 रख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से गाइज आपको अगले फोटो के यहाँ पर एनिमेशन लगाना है, तो प्लस वाला आइकॉन में क्लिक कर लेना और वाइट वाले को सेलेक्ट करके इसका मतलब ड्यूरेशन को बढ़ा के 1.89 रख लेना इसको भी। इतना करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आएगा गाइज हमारा फोटो, देख सकते हो। अब गाइज हम यहाँ पर एफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो एफेक्ट्स ऐड करने के लिए इस फोटो को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर एफेक्ट्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे एफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो भी एफेक्ट्स अच्छा लगे उसको यहाँ पर रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक एफेक्ट्स है एक्सपेंड, इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इसका ड्यूरेशन को हल्का सा बढ़ा दूंगा, उसका यहाँ पर सेट करके ना राइट पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा गाइस। अगर आप चाहो तो उसको ना थोड़ा सा बीच में रख लेना ऐसे स्क्रॉल करके, उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा गाइस। आपको अगले फोटो में जाना है, अगले फोटो में भी यहाँ पर इफेक्ट्स लगाना है और आपको फिर से चले जाना है यहाँ पर एक्सपेंड वाले इफेक्ट में और यहाँ पर इसको ड्यूरेशन को हल्का सा बढ़ा कर राइट पे क्लिक कर देना। ठीक है गाइस, इतना करना है। उसके बाद अगले वाले फोटो में जाकर इफेक्ट्स में चले जाना है और यहाँ से इसका भी कर लेना है एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद ड्यूरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना। तो हमारा जो फोटो रहेगा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ हमारा जो वीडियो है किस तरीके से बना है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ऑडियो है ये थोड़ा सा छोटा है और फोटो ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर इसको सिंपली स्क्रॉल करके इतना रख लेंगे। इतना करने के बाद हमारा जो वीडियो रहेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। गाइज मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ हमारा वीडियो किस तरीके से बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पर ये कितनी औसम तरीके से बन चुका है, आपको भी इसी तरीके से बना लेना है। अब गाइज आपको करना क्या है कि ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा गाइज, उसके बाद आपका वीडियो आपके गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये वाला ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।